या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। नवरात्रि में जब हम कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं तो कुछ छोटे छोटे से सवाल रहते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, तो वही छोटी सी जानकारी लेके आपके लिए आए हैं। जैसे कि अब जब भी आप कलश की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापना करने से पहले आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, या तो कलश आप मिट्टी का लेके आइएगा जो सबसे शुद्ध होता है। अगर आप मिट्टी का नहीं लाते हैं, आप अगर तांबे का कलश प्रयोग में लाते हैं या पीतल का कलश प्रयोग में लाते हैं तो आप उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। कलश के ऊपर एक स्वास्तिक का निशान बना दीजिएगा, रोली और घी को मिला के गीला कर लीजिएगा और उस पर स्वास्तिक का निशान बना दीजिएगा। और आपको जो मौली वाला धागा रहता है उससे कलश को भी बांधना है, और जो आप उसके ऊपर नारियल रखेंगे नारियल को भी मौली के धागे से बांधना है। अगर आप चाहें उस पर चुनरी लपेट सकते हैं तो चुनरी लपेटिएगा, फिर उसको बांध दीजिएगा और चुनरी में कोई एक सिक्का रख दीजिएगा या नोट उसमें रख के बांध दीजिएगा, कुछ रुपए रख के उसमें बांध दीजिएगा। जब भी जहाँ पे भी आप कलश की स्थापना करेंगे तो कलश की स्थापना के नीचे चावल की ढेरी थोड़ी सी बनाइएगा और उसके ऊपर आपको एक सिक्का रखना है, उसके ऊपर ही कलश रखिएगा। कलश के अंदर आपको एक सिक्का डालना है, चावल के कुछ दाने डालने हैं। ध्यान रखिएगा चावल के दाने साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे दाने मत डालिएगा। अगर उसमें काली हल्दी आपको मिल जाती है तो काली हल्दी की गांठ उसमें डालिएगा। उसके अंदर दो लौंग डालिएगा, दूरबा जो घास होती वो डालिएगा, गंगा जल की कुछ बूंदें डालिएगा। और कलश को जब आप उसके ऊपर नारियल रखेंगे तो आम के 5 पत्ते उसमें रखिएगा और कलश के ऊपर नारियल को स्थापित कर दीजिएगा। और जो उसका जटा वाला भाग होता है ना, वो जो पूंछ जैसी होती है वो ऊपर रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है। और कलश आपको रखना कहाँ पे है, जहाँ भी आप माँ देवी को स्थापित करेंगे, जहाँ माता रानी को स्थापित करेंगे तो माता रानी के बाएं साइड में आपको कलश की स्थापना करनी है। बाएं साइड का अर्थ हो गया आपके दाहिने माता रानी के बाएं साइड में आपको कलश की स्थापना करनी है। जवारे भी आप वहीं पे लगा सकते हैं, जो वगैरह आप बोल सकते हैं आप वहीं पे लगा सकते हैं। कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जो उसी जवारे के बीच में कलश की स्थापना करती हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो कलश की स्थापना हो गई, उसके बाद में आपको अखंड ज्योति की स्थापना करनी है। अखंड ज्योति की जो स्थापना है उसके लिए आपको एक अष्टदल जो कमल होता है उसको बना लीजिएगा। अष्टदल कमल को चौक जैसे आटे से बनाते हैं ना चौक, वैसे ही अष्टदल कमल बना के बीच में आपको चावल की ढेरी लगानी है। और मिट्टी का दीपक सबसे शुद्ध होता है, अगर आप पीतल का दीपक इस्तेमाल करते हैं तो पीतल का दीपक जलाइएगा और उसको आपको उसी चावल की ढेरी के ऊपर रख के आपको उस दीपक को स्थापित करना है। अच्छा, कलश में आप सिक्का जरूर डालिएगा, एक चांदी का सिक्का हो आपके पास वो डाल दीजिएगा, नहीं तो जो सामान्य सिक्के होते हैं उनमें से एक सिक्का कलश के अंदर अवश्य डालिएगा, मैं बताना भूल गया था। तो आपको जब आप अखंड ज्योति की स्थापना कर रहे होते हैं तो अखंड ज्योति में आप ध्यान रखिए कि जो रुई होती है, एक तो शुद्ध रूप में रुई का अगर प्रयोग आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक ही रंग की जो रुई होती है, एक ही रंग की जो बाती होती है उसका प्रयोग, अगर हम बाती का प्रयोग अखंड ज्योति में करते हैं तो बहुत शुभ होता है। अगर आप बाती नहीं बना पाते हैं, आपसे बाती नहीं बन पाती है, तो आप मौली का प्रयोग कर सकते हैं उसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा वो कॉटन की ही होनी चाहिए, रेशमी धागे की नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पूजा वाली दुकान पर जाएंगे तो कॉटन की भी बनी बनाई आपको बाती मिल सकती है, बड़ी सी लंबी सी बाती आपको मिल जाएगी। आप उसके थोड़ा सा पतला करके जो बाती का जो आपके दीपक का छेद रहता है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप दीपक इस तरह से लगा रहे हैं कि बाती साइड में लटकी रहती है तो कितनी भी मोटी बाती रहेगी तो आप अपने हिसाब से रखिए कि आपको कितनी लौ रखनी है, कितना दीपक आपको जलाना है। उसके बाद में दीपक में घी डालिए और घी डालने के बाद में आपको जैसे कलश के चारों तरफ आप फूल
फूल वगैरह अर्पित करेंगे, उसी तरह से आपको जो आपका अखंड ज्योति उसके चारों तरफ भी आपको फूल अर्पित करना है। अखंड ज्योति जो माता रानी की जो आप स्थापना करेंगे उनके दाहिने साइड में करनी, यानी आपके बाएं साइड में अखंड ज्योति की स्थापना होगी। तो वहाँ और जब भी आप अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो बाती की जो दिशा होती है वो पूर्व में रखिएगा। जो बाती उसकी लटकी रहती है ना, जो आप दीपक में लटकने वाली बाती अगर आप लगा रहे हैं उस तरह से दीपक लगाते हैं तो उसकी बाती की जो दिशा है वो पूर्व में होनी चाहिए। अगर आपका सेंटर वाला दीपक जिसमें सेंटर में बाती रहती है तो आपने देखा होगा बाती ऊपर होने के बाद भी थोड़ी सी एक दिशा की तरफ झुक जाती है, तो वो जो जिस तरफ भी बाती झुकेगी उस साइड में पूरब होना चाहिए, यानी पूरब की तरफ आप उसको हल्का सा झुका के रखिए तो उसका जो असर होता है उसका जो फल होता है बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से आप अखंड ज्योति की स्थापना कर सकते हैं। तो माता रानी के बाएं साइड में आपको कलश की स्थापना करनी है, माता रानी के दाहिने साइड में आपको अखंड ज्योति की स्थापना करनी है। तो इस तरह से आप माता रानी का पूजन करिए। और बहुत सारी विधियाँ होती हैं, आप जैसे पहले जिन विधियों से अपने घर में पूजा करते आए हैं उन विधियों का प्रयोग अवश्य करिएगा, क्योंकि वो विधि एक कहीं ना कहीं आपकी एक परंपरा में चली आती है। कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो उन बातों को भी अपनी पूजा में ऐड करते रहिए। जैसे कुछ आपको नई जानकारी मिलती है कभी भी किसी भी पूजा के बारे में, तो अपनी जो आपकी जो घर की पूजा होती है जिस हिसाब से आप पूजा कर रहे होते हैं वो तो आपको करनी ही पड़ेगी या करना ही चाहिए, साथ में कुछ चीज़ें अपनी पूजा में जोड़ लेनी चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ शायद मैं इस चीज़ का कमी रख रहे थे अपनी पूजा में, तो वो कमी को आप पूरा करते रहिए। तो आप कमी को पूरा करते रहेंगे तो आपकी पूजा बहुत ज़्यादा फलित होगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब भी आप माता रानी की या गणेश जी की किसी की भी स्थापना करते हैं तो उनका आह्वान अवश्य करिए। आप मंत्रों से आह्वान नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी भाषा जानते हो उसी भाषा से उनका आह्वान करिए कि हे माता रानी हम आपको आह्वान कर रहे हैं, हे माता रानी आप आइए विराजमान होइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से आप उनसे कहिए अवश्य कि आप आके स्थापित होइए। उसी तरह से जब आप दीपक जलाते हैं दीप अर्पित करते हैं तो दीप अर्पित करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा, अगर आप धूप अर्पित कर रहे हैं तो धूप अर्पित करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा। आप उनको जो महिलाओं का सामान होता है जिसे श्रृंगार का सामान कहते हैं वो अर्पित कर रहे हैं तो वो भी आपको कहना पड़ेगा कि हम आपको अर्पित करें माँ के लिए। आप चुनरी अर्पित कर रहे हैं तो चुनरी के लिए भी आपको कहना पड़ेगा कि आप अर्पित कर रहे हैं, उनको भोग अर्पित कर रहे हैं, उनको फल अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप उन्हें अर्पित करेंगे वो सारी चीज़ें आप कहिए अवश्य कि हम आपको अर्पित कर रहे हैं, या जो भी आप अपने तरफ से माँ को अर्पित करते हैं उसके बारे में आप कहिए जरूर कि हम आपको अर्पित कर रहे हैं। और आप कलश में एक चीज़ और डाल सकते हैं जो मैं बताना भूल गया, आप उसमें कमल गट्टे के जो बीज होते हैं ना आप उसको भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी का पूजन करिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि माता रानी आपके घर में आए विराजमान हों, आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाएं, आपको सही मार्ग दिखाई पड़े, आपके जीवन में जो धीरे धीरे परेशानियाँ कम हो रही वो और तेज़ी से कम हो जाए, आपके जीवन में जो आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में जो कष्ट है वो ख़त्म हो जाए, आपके जीवन में कुछ बीमारियां अगर कुछ लोग बीमार हैं तो बीमारियों से उबर जाए। और जो व्यक्ति पूजा करना चाहते हैं व्रत रह के वो व्रत रह के भी पूजा कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की तबीयत खराब रहती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रहें, आप सुबह शाम पूजा अवश्य करिए, आरती अवश्य करिए और माता रानी को भोग अवश्य चढ़ाइए। और जो आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो अखंड ज्योति जलाने का विशेष ध्यान रखिए, उसको बीच बीच में चेक करते रहिए। एक चिमटी रखिए, एक चिमटी होती है, चिमटी से पकड़ के बाती को ऊपर नीचे करिएगा, हाथ मत लगाइएगा और बाती का ध्यान रखिएगा कि बुझ ना पाए, क्योंकि बुझना शुभ नहीं होता है। अगर गलती से बाती बुझ जाती है तो उसको जितने जल्दी जल्दी आपको पता चलता है आप माता रानी से क्षमा मांग लीजिए और ये बोलिए कि गलती बस मैं ध्यान नहीं दे पाई या दे पाया, मुझे क्षमा करिएगा और उस बाती को दोबारा से जला दीजिए।
और अगर आपकी बाती पूरे पूरे नवरात्र भर जलती रहती है तो बहुत शुभ होता है। बीच में बुझ भी जाती है अगर आप जैसे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे रात में ध्यान नहीं दे पाए, आप सो गए, आपकी नींद नहीं खुल पाई, तो कोई बात नहीं, जब भी आपकी नींद खुलती है आप एक बार जाके चेक अवश्य करिए। अगर बाती बुझ जाती तो धीरे से उसकी बाती सही करके आप उसे पुनः जला दीजिए और क्षमा भी मांग लीजिए, साथ में आपका कल्याण अवश्य होगा। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।